आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हम फाइनेंशियल एनालिसिस की बात कर रहे थे और फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर हमें बहुत सारे टूल्स के बारे में समझना है। सो देर आर अ लॉट ऑफ टूल्स फॉर द फाइनेंशियल एनालिसिस। अब सबसे पहला और सबसे इजीएस्ट टूल विच इज अवेलेबल फॉर अ फाइनेंशियल एनालिसिस इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब ये कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है? पहले तो आप ये बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे पास मोटे तौर पर दो होती हैं। वन इज इनकम स्टेटमेंट और विच इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड द अदर इज पोजिशन स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। तो ये जो दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारे पास हैं, अगर हम इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूज करके कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स बना लें तो हमारे को कुछ डेटा अवेलेबल होगा जिससे हम अपने फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ये समझने के लिए हमारे को वर्ड कंपैरेटिव पे फोकस करना होगा। कंपैरेटिव मीन्स कंपेरेबल, यानी कि दो स्टेटमेंट्स को जब हम साइड बाय साइड रखेंगे और उनको कंपेयर करने के फॉर्मेट में उसका डेटा हम डाल देंगे तो हमारे पास एक कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ जाएगी। अब कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पर्पस क्या है? इसका पर्पस है, अगर हम फाइनेंशियल ईयर 19 और फाइनेंशियल ईयर 20, ये 2 सालों के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को साइड बाय साइड रखें और हम उन दोनों की हर लाइन आइटम को कंपेयर करें तो हमारे पास कुछ आइडिया आएगा, हमारे पास कुछ एनालिसिस मिलेगा जिससे हम ये चेक कर सकते हैं कि वेदर द कंपनी इज गोइंग इन अ प्रॉफिटेबल डायरेक्शन, का कंपनी का कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली कोई ऐसा एरिया तो नहीं है जिसमें कंपनी को कोई दिक्कत आ रही है, क्या कंपनी की सेल्स ग्रो हो रही है, क्या कंपनी के एक्सपेंसेस कंट्रोल हैं कि नहीं है, कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा। दिस इज एज फार एज द प्रॉफिट एंड लॉस इज कंसर्न। व्हेन वी प्रिपेयर द कंपैरेटिव बैलेंस शीट फॉर 2 ईयर्स ऑफ अ कंपनी तो हमारे को उसकी एसेट्स और लाइबिलिटीज के कॉम्पोनेंट की कंपैरेटिव वैल्यूज मिल जाएंगी जिसको हम देख के ये पता कर सकते हैं कि कंपनी के कौन से एसेट्स प्रोडक्टिव हैं, कौन से एसेट्स इजीली ग्रो कर रहे हैं, कौन सी लाइबिलिटीज हैं जो कंपनी की आउट ऑफ हैंड है, आउट ऑफ कंट्रोल है, एंड सो ऑन। सो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स गिव अस एन आइडिया एज टू व्हाट इज एवरी आइटम ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट इज परफॉर्मिंग फॉर दिस कंपनी फॉर 2 सेपरेट ईयर्स। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए हमें उसका एक फॉर्मेट चाहिए। सो लुक एट द फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। सो हमने क्या किया, हमारे पास एक कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड, एंड इस कंपनी की हमारे पास 2 सालों के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। 2 साल कौन से? वन इज 2019-20 विच इज द लेटेस्ट ईयर, एंड 2018-19 विच इज द प्रीवियस ईयर। तो 2 सालों का डेटा हमारे पास होना चाहिए तभी तो उन डेटा को हम कंपेयर कर सकेंगे, ठीक है। अब कंपेरेबल इनकम स्टेटमेंट के अंदर फर्स्ट यू लुक एट द फर्स्ट 3 कॉलम्स। वन इज द पर्टिकुलर कॉलम, देन फाइनेंशियल ईयर 19-20, देन फाइनेंशियल ईयर 18-19। ये जो डेटा दिया हुआ है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ये पूरा डेटा, ये पूरा फॉर्मेट हमें याद है। पिछले चैप्टर में हमने याद कर लिया था कि हाउ अ फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लुक्स एंड इट इज प्रिपेयर्ड। तो जब आपके पास एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट या कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मेट का यूज करना है। इस फॉर्मेट के बाद आपको 2 कॉलम्स ऐड करने पड़ेंगे। सो आपको इस डेटा के बाद 2 एडिशनल कॉलम्स को ऐड करना पड़ेगा। वन इज द कॉलम ऑफ एब्सोल्यूट चेंज एंड द अदर इज कॉल्ड रिलेटिव और परसेंटेज चेंज। इसको हम परसेंटेज चेंज भी बोलते हैं। सो वन इज एब्सोल्यूट चेंज एंड द सेकेंड इज रिलेटिव और परसेंटेज चेंज। अब कैसे करना है इसको ये समझते हैं। लेट अस से द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विच इज कॉल्ड सेल्स ऑफ अ कंपनी फॉर द प्रीवियस ईयर। पिछले साल में अगर कंपनी की सेल थी 20,000 तो ये फिगर यहां पर 20,000 आपको क्वेश्चन में गिवन होगी या डेटा में आपके पास अवेलेबल होगी। सिमिलरली द सेल्स फॉर द करंट ईयर 19-20 ये भी आपको डेटा में अवेलेबल होगी। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 40,000। सो हम क्या करेंगे, हम हर लाइन आइटम की वैल्यूज लिखते जाएंगे। सिमिलरली जैसे अदर इनकम्स हैं, अब अदर इनकम्स का भी डेटा हमारे पास होगा।
5000 फॉर लास्ट ईयर एंड लेट्स से 6000 फॉर करंट ईयर एंड सो ऑन. फिर आप इसका टोटल करोगे तो ये होगा 46000 फॉर करंट ईयर एंड 25000 फॉर लास्ट ईयर. ऐसा डेटा आपके पास सारी वैल्यूज ऑफ पीएनएल अकाउंट में दिया होगा. ठीक, ये सारा डेटा तो आपको क्वेश्चन दे देगा, डेटा प्रोवाइड किया होगा. आपने जो दो कॉलम्स ऐड किए हैं एब्सोल्यूट चेंज और रिलेटिव चेंज के, उन दो कॉलम्स को किस तरह से हमने प्रिपेयर करना, हम उस पर फोकस करते हैं. अब जो ये एब्सोल्यूट चेंज है ये कैसे निकलेगा, ये निकलेगा लास्ट ईयर के मुकाबले इस साल कितना चेंज आया है. फॉर एग्जाम्पल, लास्ट ईयर में हमारी सेल 20,000 थी और इस साल में करंट ईयर में हमारी सेल बढ़ गई और बढ़कर कितनी हो गई, 40,000. तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, आई माइनस जे, यानी कि फर्स्ट करंट ईयर आई माइनस लास्ट ईयर जे वैल्यू. तो 40,000 माइनस 20,000 कितना आ जाएगा, 20,000. सिमिलरली 6,000 माइनस 5,000 विच इज 1,000 एंड टोटल में भी 46,000 माइनस 25,000 विच इज 21,000. तो आपने क्या किया, I माइनस J करके आपके पास एब्सोल्यूट चेंज आ गया, टोटल चेंज आ गया पिछले साल के मुकाबले इस साल में कितना चेंज आया है. ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ I वैल्यू इज लेस देन द J वैल्यू, I वैल्यू है लेट से 5000 और J वैल्यू है 6000, तो I माइनस J माइनस 1000 आएगा, तो आप उसको माइनस में लिखना. ठीक है, सो एब्सोल्यूट चेंज आप ये सभी आइटम्स के लिए, लाइन आइटम्स के लिए, सभी के लिए एब्सोल्यूट चेंज वैल्यू निकाल लोगे. ये बहुत सिंपल है, मैथ से प्लस माइनस करना आपने. ठीक है, देन वी हैव परसेंटेज चेंज और रिलेटिव चेंज. कितना चेंज आया है लास्ट ईयर के परसेंटेज के बेस पे, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो होगा के डिवाइडेड बाय जे इनटू 100 परसेंटेज. के कितना आया हमारा, 20,000. के इज 20,000, जे इज आल्सो 20,000, लास्ट ईयर वैल्यू वाज 20,000 इनटू 100, तो ये कितना आएगा, 100%. तो आप यहां पर इसको परसेंटेज में लिख देना. नेक्स्ट, अदर इनकम्स में कितना चेंज आया परसेंटेज वाइज, ये कैसे चेक होगा, K वैल्यू इज 1000 डिवाइडेड बाय J वैल्यू इज 5000 इनटू 100 विच इज 20%. तो यहां पर आप लिखोगे 20%. ठीक, ऐसे ही आप सारी लाइन आइटम्स के लिए परसेंटेज भी कैलकुलेट करोगे एंड दिस इज द कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम कंपैरेटिव बनाते हैं, इससे हमारे को इजीली आइडिया मिल जाता है कि एज फार एज द लास्ट ईयर वॉज कंसर्न, दिस ईयर प्रेजेंट ईयर में हमने कितने चेंजेस किए हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू लुक एट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन दिस एग्जाम्पल, द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन द लास्ट ईयर वॉज 20,000 एंड इन द करंट ईयर इज 40,000, विच मीन्स 100% इंक्रीज आया है हमारी सेल में, हमारे रेवेन्यू में. एंड सिमिलरली, अदर इनकम्स वॉज 5,000 इन द लास्ट ईयर एंड इट इज 6,000 इन दिस ईयर करंट ईयर, विच मीन्स देर इज अ चेंज ऑफ 1,000 रुपीज एज अदर इनकम टोटल चेंज. And if you look at the percentage change, it is 20% as far as the last year was concerned. So comparative P&L account आपको हर item की percentage change और absolute change values दे देता है. इन percentage और absolute change values को पढ़कर आप easily idea लगा सकते हो कि company की performance as far as the profitability is concerned, income is concerned, expense is concerned, tax is concerned, profit after tax is concerned, ये आपको values मिल सकती है. So this is the format of comparative income statement. बहुत simple, दो columns add करने हैं, absolute और relative change. Absolute is present year minus last year value and relative change is the difference or change divided by last year into 100. ठीक, अब हम कुछ questions करते हैं, उन questions के अंदर हमारे को ये format याद रखना है. ठीक है, so चलते हैं हम questions के ऊपर. So we have this question number 1. यहां पर क्वेश्चन में आपको वो बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव पीएनएल अकाउंट. तो आपको कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनानी है. सबसे पहले आप ये चेक करोगे हमारे पास कौन से साल दिए हैं. दो हमारे पास दो साल हैं, फाइनेंशियल ईयर 18-19 विच इज दिस एंड फाइनेंशियल ईयर 19-20 विच इज द करंट ईयर. तो दो साल हमारे को दिए हुए हैं, दो साल का डेटा अवेलेबल है. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना एक फॉर्मेट बनाएंगे. सो दिस इज द फॉर्मेट दैट यू हैव टू मेक.
अब इस फॉर्मेट के अंदर हम वैल्यूज को फिल करते जाएंगे. फर्स्ट वैल्यू इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. अब थोड़ा सा ध्यान ये रखना कि हमेशा आप करंट ईयर को पहले लिखते हो और प्रीवियस ईयर को बाद में लिखते हो, जबकि आपको क्वेश्चन में ये उल्टा दिया हुआ है. आपको पहले प्रीवियस ईयर का डेटा दिया है और बाद में आपको करंट ईयर का डेटा दिया है, तो आप जब अपने आंसर में डेटा को पुट करोगे तो आप उन ईयर्स को चेंज कर लेना. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 9 लाख फॉर द करंट ईयर एंड 6 लाख फॉर द लास्ट ईयर. तो हम यहां पर लिखेंगे 9 लाख एंड 6 लाख. सबसे पहले आप डेटा बनाना पूरा. सेकेंड, अदर इनकम्स. अदर इनकम्स हमारे पास है 1,08,000 एंड 1,20,000. अब एज पर द फॉर्मेट हमें क्या करना होता है, इन दोनों का टोटल करना होता है और हमारे पास वैल्यू आती है टोटल रेवेन्यू, विच इज 1 + 2. अब यहां पर आप सबसे पहले टोटल रेवेन्यू कैलकुलेट करो, कितना आएगा, 10,08,000 एंड 7,20,000. ठीक है, इसके बाद हम लिखते हैं एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस में सबसे पहले एज पर डेटा, अब देखो सारे एक्सपेंसेस हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हमारे पास 7 हेड ऑफ एक्सपेंसेस थे इन ऑर्डर, पर हमारे को जितने एक्सपेंसेस दिए हैं हम सिर्फ उसी का यूज करेंगे, बाकी एक्सपेंसेस को अपने फॉर्मेट में नहीं लिखेंगे. सो 1 वी हैव कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड विच इज 540 एंड 3 लाख. तो हम यहां लिखेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 540,000 एंड 3 लाख. इसके बाद परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है ना, चेंज इन इन्वेंट्री, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन और अदर एक्सपेंस, ये सारे हेड होते हैं, पर हमारे क्वेश्चन के अंदर सिर्फ यहां पर अब एक एक्सपेंस है विच इज द अदर एक्सपेंस. तो बीच वाले एक्सपेंसेस हमें लिखने की जरूरत नहीं है, 90,000 एंड 60,000. ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, टोटल एक्सपेंस कैलकुलेट. तो यहां पर आएगा टोटल एक्सपेंसेस, कितना आएगा ये चेक करो, 6,30,000 एंड 3,60,000. राइट, अब इस फॉर्मेट के बाद हमारे पास क्या आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स. तो फिफ्थ आइटम इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स. वो कैसे आएगा, वो आएगा थर्ड पॉइंट माइनस द फोर्थ पॉइंट. ठीक है, सो 10,08,000 माइनस 6,30,000 इज 3,78,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एंड सिमिलरली 7,20,000 माइनस 3,60,000 इज 3,60,000 एज प्रॉफिट बिफोर टैक्स. नेक्स्ट वी हैव टैक्स. अब एज पर द क्वेश्चन टैक्स इज 30% फॉर लास्ट ईयर एंड 30% फॉर करंट ईयर. सो टैक्स इज 30%. ये परसेंटेज 30% हम किस पे कैलकुलेट करते हैं, ये परसेंटेज हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर कैलकुलेट करते हैं. तो 3,78,000 का 30% इज 113,400 एंड सिमिलरली 3,60,000 का 30% इज 1,08,000. जब आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स को माइनस करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 7th प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो आपके पास आएगा ये वैल्यू 5 - 6 करके. तो 3,78,000 माइनस 1,13,400 इज 2,64,600 as net profit after tax, and 3,60,000 minus 1,08,000 is 2,52,000. यहां पर आपका question complete हो जाता है. ठीक है, so as per the format, सबसे पहले आपको अपना
क्वेश्चन को डेटा को कंप्लीट फॉर्मेट में फिल करना है। ऐसा करने के बाद अब हम अपने कंपैरेटिव वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमें निकालना है एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलेगा? एब्सोल्यूट चेंज निकलेगा करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। तो यहां पर हम वैल्यूज को लिखते हैं, 9 लाख माइनस 6 लाख इज 3 लाख, और क्योंकि ये पॉजिटिव आया तो ऐसे लिखा। 1,08,000 माइनस 1,20,000 इज माइनस 12,000, बिकॉज प्रीवियस ईयर में फिगर ज्यादा थी और इस साल में फिगर कम है, तो यहां पर एक माइनस लगाना पड़ेगा। एंड देन वी हैव 2,88,000, ठीक है। और आगे चलते हैं, 5,40,000 माइनस 3 लाख इज 2,40,000, 90 माइनस 60 इज 30,000, टोटल 630 माइनस 360 इज 2,70,000, देन 378 माइनस 360 इज 18,000, 1,13,400 माइनस 1,08,000 इज 5,400, एंड दिस इज 18,000 माइनस 5,400 इज 12,600। सो आपने कंपैरेटिव फॉर्मेट के अंदर जो पहला काम करना था एब्सोल्यूट चेंज, ये जो फर्स्ट काम था हमारा, वो हमने कर लिया। अब हमें करना है परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज कैसे कैलकुलेट होगा? वो होगा एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर फिगर इनटू 100। सो फॉर एग्जांपल, 3 लाख इज द एब्सोल्यूट चेंज ऑफ नेट सेल और नेट रेवेन्यू डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर फिगर कितनी थी, 6 लाख रुपए, इनटू 100। दिस कम्स आउट टू बी 50%। आप खुद चेक करो, पहले 6 लाख की सेल करी थी लास्ट ईयर और इस साल आपने 9 लाख रुपए की सेल करी है, तो आपकी सेल में कितना इंक्रीमेंट आया, कितना इंक्रीज हुआ, 50% सेल आपकी बढ़ गई। तो ये परसेंटेज चेंजेस 50%। नेक्स्ट, माइनस 12,000 डिवाइडेड बाय 1,20,000 इनटू 100, कितना परसेंट आएगा, -10%। देन 2,88,000 डिवाइडेड बाय 7,20,000 इनटू 100, ये कितना आएगा, 288 डिवाइड बाय 7,20,000 इज 40%। नेक्स्ट, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख इनटू 100 इज 80%। 30,000 डिवाइडेड बाय 60,000 इनटू 100 इज 50%। देन 2,70,000 डिवाइडेड बाय 3,60,000, सो 270 डिवाइड बाय 360 इज 75%। 18,000 डिवाइडेड बाय 3,60,000 इनटू 100, सो 18,000 डिवाइड बाय 3,60,000 इज 5%। 5,400 डिवाइडेड बाय 1,08,000 इनटू 100 इज आल्सो 5%। एंड 12,600 डिवाइडेड बाय 2,52,000 इनटू 100 इज आल्सो 5%। सो आप एक बात यहां देखो, जो परसेंटेज आपकी प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आएगी, पीबीटी में आएगी, और अगर आपका टैक्स का रेट लास्ट ईयर भी 30% था और इस साल भी 30% है और टैक्स रेट में कोई चेंज नहीं है, फिर आपका टैक्स का परसेंटेज भी 5% आएगा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का परसेंटेज भी 5%। ये सारी परसेंटेजेस सेम होती हैं इफ द टैक्स रेट इज सेम फॉर दिस ईयर एंड लास्ट, ठीक है। सो दो काम हमें करने थे पूरा डेटा के अंदर, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, ये हमने कर लिया। पर सबसे पहला और जो इंपॉर्टेंट काम वो था, हमें फॉर्मेट बनाना है। अनलेस एंड अंटिल यू अंडरस्टैंड एंड यू नो द फॉर्मेट ऑफ दिस पीएनएल अकाउंट, तब तक आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट नहीं बना सकते। तो पहला काम, अगर अभी तक आपने नहीं किया है, सबसे पहले आप अपना फॉर्मेट याद करो, ठीक है। आंसर देखते हैं, दिस इज नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का चेंज 50%। चेक करो, नेट रेवेन्यू का चेंज इज 50%। देन -10% इज अदर इनकम का चेंज, -10% इज अदर इनकम का चेंज। उसके बाद 80% इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड का चेंज, 50% इज अदर एक्सपेंसेस का चेंज,
एंड लास्ट इज पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का चेंज विच इज 5% each. So this is how you have to do the question as far as the comparative P&L account is concerned.